सो है फैम, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो यहाँ पर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे टेमन फ्रेश का मेन इवेंट। और तो अगर चैनल पे न्यू है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक पक्का कर देना। ओके, जैसे आपको बताया हमारे डेमन फ्रेश जो कि प्रोलॉग क्लास के, तो उसका चैलेंज वाई क्लास क्लास का है। तो मेरे पास ऐसे जो कि चैलेंज के हिसाब से मेरे पास कोई वाई क्लास उपस्थित नहीं है, तो मैं नॉर्मली इसको हमारे शोमैन क्लास के साथ कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आज हम टेस्ट करेंगे हमारे 4 स्टार जेरी द लॉलर को। आपको बता, जेरी द लॉलर एक बहुत ही ओपी सुपरस्टार, इसका अबिलिटी भाई सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा लगता है हमारे मुस्तफा अली को। ओके, तो यहाँ पर हमारे साथ जो कि जेरी लॉलर के सामने 4 स्टार टीमन फ्रेश को, तो इसको तो मैं मार के कुत्ता बना दूंगा भाई। देखो इसको कैसे हराता हूँ मैं। ओके भाई, मेरे पास सिग्नेचर मूव के बाद ये मोमेंटम करता है, एग्जॉस्ट होता है हमारे डॉज के बाद, जो कि बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है हमारे जेरी लॉलर के साथ। ओके, तो यहाँ पर इसका मैनेजमेंट जो कि ये है, अगर वो रिवर्सल देगा तो 100% वो हील करेगा, जो कि जैसे कि नहीं होने वाला है। ओके, आपको बताए, तो ये हमारा पहला जो कि मुंह पे मुंह कर देते हैं, कितना डैमेज आता है भाई, बहुत ओपी, 3218 का डैमेज आया, जो कि बहुत ओपी। तो देखो भाई, मेरा मोमेंटम हो चुका है, हमारा क्रिटिकल डैमेज भी ऐसा आज यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा एक और जो कि उसका नाम मेरे को पता नहीं, ओ भाई 8000 का डैमेज आया भाई, बहुत ओपी। जेरी लॉलर के पास डैमेज भी बहुत ओपी आता है, एबिलिटी भी बहुत ही ओपी है। ओके, लेकिन भाई पिन नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं, हम इसको एक और मारेंगे। इसको मार खाना का है तो मैं इसको पक्का मारूंगा ना। एक और मुंह पे जो कि मुक्का देते हैं, कितना आता है, फीस्ट ड्रॉप। ओके, ओहो डैमेज 3200 का 18 डैमेज फिर से आया, जो कि बहुत ओपी है। 1 2 और फाइनल है भाई, मैच स्टार्ट होते ही खत्म हो गया भाई, मेरा हेल्थ तो इतना भी नहीं गया भाई, बहुत ओपी। लेकिन शायद जो कि नेक्स्ट लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एपिक लेवल देखते हैं यहाँ पर हमारे 5 स्टार डिमन प्रिंस के साथ, जो कि हमारे सिग्नेचर मूव के बाद ये इंजोर करेंगे हमको, इसीलिए हम लेने वाले हैं हमारे जॉन सीना नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे हमारे हार्ट ब्रेक के शॉन माइकल को। ओके, क्योंकि आपको पता है भाई, शॉन माइकल बहुत ही ओपी सुपर स्टार है, इसका जो कि डैमेज भी बहुत ओपी आता है। ओके, लेकिन सबसे बेस्ट होता है शॉन माइकल का क्लास है, वो है वाई क्लास क्लास का। ओके भाई, सबसे बेस्ट है, शोमैन नहीं कोई नहीं, सबसे बेस्ट क्लास है आपका वाई क्लास क्लास का। ओके, तो मेरे पास 10 हिट करने के बाद मैं जो कि उसका इंजर भी करूँगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं उसको सिग्नेचर मूव नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि भाई अगर मैं मारूंगा तो मेरा खतरनाक वाला इंजर होगा, आपको बताए भाई। तो ये हमारा 20% एक्स्ट्रा डैमेज के साथ हार्ट ब्रेक किक, देखते हैं इसमें से कितना डैमेज आता है भाई। ओ 6000 का डैमेज आया, जो कि बहुत ओपी। शायद इसका हेल्थ आधा नहीं हुआ, लेकिन इंजर के साथ इसका हेल्थ जो कि आधा हो जाएगा। बस इसको एक और मारूंगा अपना सुपर सिग्नेचर मूव, और इसका काम ऐसे ही तमाम हो जाएगा पक्का भाई। तो ये हमारा, लेकिन मैं कोई भी ज़्यादा परसेंट यूज नहीं करता है भाई, क्या होता है पता नहीं क्या होता है। चलो ये हमारा एक और जो कि सुपर सिग्नेचर मूव, क्रिटिकल डैमेज नहीं आया यार, चलेगा। इसका हेल्थ जो कि पूरा जा चुका, देते हैं पिन होता है या नहीं। ओ भाई, सब हर बार भाई थोड़ा बच रहा है भाई, क्या मूव है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा एक जो कि टेक्सस प्रायर ड्राइवर हमारे शॉन माइकल का, जो कि डैमेज भाई इसका भाई, ये जो मूव है, ये जो भाई जो स्टाइल मारता है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये जो सिग्नेचर उसका एक्शन है भाई, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है भाई, जो भी बोलो। ओ भाई देखो भाई, ये भाई बहुत भाई, तो यहाँ पर हमारा जो कि नेक्स्ट मैच है, इसका जो कि चैलेंज ये है, हमको 4 स्टार लेना है, वो भी वाई क्लास क्लास का आइकॉन सुपरस्टार। ओके, तो मेरे पास आइकॉन सुपरस्टार तो कोई नहीं है, लेकिन भाई मेरे पास आइकन, लेकिन मेरे पास R2 थे जो कि वाई क्लास क्लास का, तो इसको मार के कुत्ता बना देगा, लेकिन मेरे पास नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम लेके जाएंगे हमारे 4 स्टार कॉफी किंगस्टन को। तो आपको नोटिस किया होगा कि मैं अपना जेडी द लॉलर्ड को लेबल फॉर मैक्सर्ड कर चुका हूँ, और हमारे 4 स्टार कॉफी किंगस्टन को भी मैं लेबल फॉर मैक्सर्ड कर चुका हूँ। ओके, बस हाल ही में अपना 4 स्टार एक पावर हाउस क्लास को मैक्स करूँगा, तो आप मेरे को सजेशन दो। ओके, मैं किसको मैक्स करूँ। तो आते ही मेरे को डायमंड पीस मार के मेरा हेल्थ जो कि आधा ले चुके हैं, तो लेकिन मैं उसको पक्का मार दूंगा भाई। तो हमारा सिंपल सा एक रिवर्सल, तो यहाँ पर जो कि मैनेजमेंट ये है कि हम उसको सुपर सिग्नेचर मूव नहीं मार पाएंगे। ओके,
क्योंकि अगर मारेंगे तो मेरा खतरनाक वाला हेल्थ स्टील जो कि होगा। तो यहाँ पर हमारे कॉफी किंगसन के पास भी बहुत खतरनाक एबिलिटी आपको पता है, इसके पास जो कि ट्रबल एंड पैराडाइज के बाद ये अपना वंडरेबल ट्रिक अपन देखें। यहाँ पर भाई डैमेज भी बहुत हो जाता है और फुल एनर्जी के बाद ये सिग्नेचर रेज भी लाते हैं जिससे उसका डैमेज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, और हील भी करते हैं भाई। तो आप सबसे बेस्ट बात है सिग्नेचर मूव के बाद हील बेस्ट कॉफी किंगसन को बेस्ट बनाता है ये एबिलिटी। तो मेरे पास सबसे जो कि बेस्ट बेस्ट एबिलिटी जो एबिलिटी वाले सुपर चार्ज हैं WMM में, तो जितने मेरे पास है मैं सबको मैक्स आउट कर चुका हूँ लेवल 4। लेकिन मैं हाल ही में सोच रहा हूँ हमारे मुस्तफा अली को लेवल 5 जो कि मैक्स आउट करूँ और पूरा इसको कंप्लीट करूँ। लेकिन अभी भाई गलती की वजह से भाई मेरे को डायमंड पीस अपना मार चुके हैं सुपर, सॉरी उसका नाम क्या भाई, ये क्या पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है बे। किकआउट तो मैं शायद कर लूँगा 1-2, मेरे पर इतना भरोसा है जिस जिस मैं कर चुका हूँ हमारा किकआउट। बस इसको मारूंगा एक सुपर हमारा एक सिग्नेचर मूव, इसके बाद ये हमारा हील करेगा जो कि बहुत ओपी बात है। एक और जो कि है ट्रबल एंड पैराडाइज भाई, ये मूव भी मेरे को बहुत ओपी लगता है। रियल में जो इतना स्टाइल पे नहीं मारता लेकिन गेम में भाई बहुत ओपी आता है। देखो भाई मेरा हील भी हो चुका है लेकिन उसका बार भाई फूल नहीं होना चाहिए। ओके फाइनली उसका बार भी फूल नहीं हुआ, ये हमारा सिंपल से एक SOS। देखते हैं भाई कितना डैमेज इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि सिग्नेचर एज नहीं था, लेकिन सिग्नेचर एज के अगर होता तो कम से कम 4000 का डैमेज तो पक्का आता। अबे यार किकर नहीं हुआ, सर किकर कर दिया अबे। भाई ये क्या भाई, क्या मोमेंटम करके मेरे सामने आया भाई, मैं क्या कर सकता भाई। जब जब मैं उठा भाई इतनी जल्दी क्या है भाई, बेकार भाई पूरा बेकार भाई, अब तो मैं उठ नहीं पाऊंगा ना भाई। बैक करो इसको भाई, बैक करो इसको भाई, बेकार है पूरा भाई। कितना जल्दी आया भाई मेरे पास सामने भाई, पूरा बेकार है भाई। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम आ चुके हैं हमारे डायमंड पीस को लेके। लेकिन भाई पिछली बार जो कि मैच पूरा बेकार हुआ भाई, क्या बोलूँ मैं, लेकिन उसका बदला मैं पक्का यहाँ पर लूँगा। ओके अरे भाई रुक जा मेरे भाई, अबे भाई प्यारी भाई तू प्यारी हो, मेरे को प्यारी मत करो। ओके बूढ़ा ओके मेरे को प्यारी करना भाई, अब तो भाई प्यारी हो जाओ। ओके फाइनली ये खुद अपने मूव के वजह से ये पिटेंगे जो कि डैमेज 5000 का डैमेज है रिवर्सल के। आपको पता है रिवर्सल के बाद डैमेज जो कि इंक्रीज होता है आपको पता होगा, और मेरा हील हो रहा है भाई। अब तो भाई तेरे को भाई छोड़ूंगा नहीं भाई, बस रुक जा मेरे भाई। सिग्नेचर रेज के साथ एक और SOS 4000 का डैमेज, अब तो भाई पक्का गया है, अब तो मैं पक्का मेरे को हरा नहीं पाएगा भाई। भाई पिछले मैच में मैं इजीली जीत सकता हूँ लेकिन भाई मोमेंट इसका ज़्यादा हो गया ना इसलिए थोड़ा गलती हुआ। ओ भाई बहुत बहुत ओपी, बहुत ओपी 4000 का डैमेज विदाउट सिग्नेचर रेज। और फाइनल हमारा हील हो रहा है, मेरे पास वनरेबल का भी एबिलिटी जो कि ट्रिगर हो चुका है, इसका बार भी खाली हो चुका है। लेकिन अब भाई तू पक्का गया भाई, ये है हमारे कॉफी किंगसन का पावर। आपको पता है यार ये भी एक अगर चाहते हो तो इसको भी मैक्स कर सकते हो, उसके पास भी एबिलिटी बहुत ओपी है। ओके और ये हमको मार चुके हैं सिंपल सा चार्ज अटैक, डैमेज इतना अच्छा नहीं आया लेकिन चले कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा है भाई। तो ये हमारा सिंपल सा चार्ज अटैक देखते हैं इसमें डैमेज कितना आता है। क्रिटिकल नहीं आया, चलेगा 861 का डैमेज। पिन किकआउट करेगा या नहीं देखते हैं, ओ कर दिया बे भाई। हर बार मेरे पास छोटा सा भाई जो क्या बोलूँ मैं। चलो ये हमारा सिंपल सा सनसेट, असल इसके बाद तो पक्का ही उठ नहीं पाएंगे भाई जो भी बोलो। डैमेज इतना अच्छा नहीं आया, अगर मैं सोचा था क्रिटिकल आया तो 4500 डैमेज पक्का होता। तो यहाँ पर हमारे डायमंड पे जो कि हार चुके हैं और हमारा जो कि इवेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब पक्का कर देना। ओके तो मैं मिलता हूँ अब तक के लिए, बाय बाय।